हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और शाम से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और 3-4 दिन मतलब ज़्यादा ही हो गया है। बारिश 13 दिन में बहुत हो रही है और बारिश के वैसे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा गाइस, थोड़ा सा सॉरी, एंड क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ, इसे साइड आती हूँ क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ। और गाइस, ऐसे में वीडियो स्टार्ट किया है मैंने। आज मेरा कोई प्लान है नहीं है कि मैं दिन भर में क्या क्या करूँगी, और मुझे मैं अब सुबह सुबह उठ के मुझे एक पूजा भी करना है। और पूजा करके अब पहले तो उससे पहले मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि झाड़ू पोछा मेरी देवरानी करती है। और अभी मेरा नाश्ता का है और आज मेरा पूजा भी है तो मैं पूजा भी करूंगी। सो पहले नहाने जाते हैं क्योंकि अभी उठी हूँ सुबह सुबह और ठंड के टाइम में थोड़ा नहाने का मन नहीं करता है ना, और बिस्तर में सोने का मन करता है। पर कुछ नहीं गाइस, अभी उठते हैं एंड थोड़ा पहले अपना काम करते हैं और क्या क्या करूँगी वो आज दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो चलो, मैं यहाँ पे अभी उठी थी और यहाँ पे मेरी देवरानी ने सब्जी चढ़ा दिया है क्योंकि मेरी देवरानी आती नहीं है वीडियो में, तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पे अलग सो रही है सास के रूम पे, कुट्टा पसारे सोती रहती। तुनिशा, तुनिशा यहाँ पे आज अलग सोई थी मम्मी के रूम पे, मम्मी भी थे मेरी सास। तो गाइज, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। उससे पहले अभी का मौसम मैं दिखाती हूँ, जस्ट ज़्यादा टाइम भी हुआ नहीं है होगा शायद, और क्योंकि फिर से मौसम ख़राब होने वाला है और मुझे लगता है कि तुनिशा ट्यूशन जाती है छुट्टी में भी, पर देखते हैं कि तब तक बारिश होगा कि नहीं होगा क्योंकि काला नीला और आवाज़ गड़ंग गुड़ंग आ चुका है। तो दिखाती हूँ पहले आपको वो और उसके बाद पूजा करने के लिए जाते हैं। ये है आज का मौसम, अच्छा है, बारिश हुआ नहीं है सुबह सुबह। ये है आज का मौसम, कुछ ऐसा है पर अच्छा है मौसम आज। फिर भी देहरादून के मौसम के बारे में कुछ बता नहीं सकते गाइस। यहाँ पे मम्मी पूजा मंदिर साफ कर रहे क्योंकि हमारे घर के सामने यहाँ पे पीर बाबा के मंदिर और पीपल के रुख है बहुत बड़ा, और अभी मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ पूजा के बर्तन। Thank you.
मेरा ये बर्तन धो के भी रेडी हो चुका है और मैं अभी पूजा करती हूँ एंड बाकी कलश मैंने बाहर लगा दिया है। सो पहले पूजा करते हैं, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो गाइज अभी मेरा पूजा ख़त्म हो गया है और आज देवरानी ने बनाया है नाश्ता, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तुनिशा का ट्यूशन जाने का टाइम भी हो गया है तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से थोड़ा सा आगे मेन रोड पे है, तो मैं थोड़ा सा क्रीम लगाती हूँ। नॉर्मली घर जब रहती हूँ तो मैं तब उस टाइम ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। और चलते हैं मेकअप करते हैं एंड उसके बाद तुनिशा को छोड़ने जाना है, तो चलो उसके बाद आपसे तुनिशा से भी मिलाती हूँ क्योंकि अभी अभी तुनिशा उठ के हाथ मुँह धोने गई है। तो चलो स्ट्रिक्स का सीरम लगाती हूँ और मैंने थोड़ा सा लिया है, अब मैं झट पे। मेरा बाल बहुत पतला है गाइस, आप देख सकते हो कितना ही है मेरे बाल सर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, मेरे बाल टूट टूट के परेशान हो गए। मैं आप सबने पूछा था कि दीदी आपका स्किन केयर भी बताओ, वैसे मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं लगाती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत भी क्या लगाती हूँ आप सबको दिखा लूँ क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे। एंड मॉइस्चराइजर कुछ भी ले सकते हो आप, सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाती हूँ और ये मामा अर्थ का है सनस्क्रीन, ये भी ख़त्म होने वाला है। और एक मेरा ये क्रीम है जो ये यहाँ पे नहीं मिलता है, प्रोमीना, ये नेपाल में मिलता है और ये यूज़ किया हुआ मेरा बहुत साल हुआ है और अभी मैं पता नहीं क्यों इसको छोड़ ही नहीं पा रही हूँ और ये अच्छा लगता है मुझे क्रीम। ये फाउंडेशन जैसा ही होता है पर फाउंडेशन से थोड़ा अच्छा होता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो यूज़ करता है उसको पता होगा और इसके बारे में ज़्यादातर नेपाली लोग और नेपाल के लोगों को पता होगा क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है। तो ये लगाती हूँ, अंदर से ऐसा होता है गाइस और कुछ मतलब इतना गहराई भी नहीं है, बस इतना है और ये थोड़ा सा होता है पर ये चलता बहुत टाइम है क्योंकि इतना ही लगाना होता है, जैसे ये इतना ही लगाना होता है और चलेगा मस्त तरीके से क्योंकि मैं तो 3 महीने इतना तो चला ही लेती हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा लगाने से भी बहुत ज़्यादा काम करता है ये इसलिए। और मैं इसको रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ, आज आपको ऐसे ही मैं बताने के लिए लगा रही हूँ क्योंकि आज नहा के मैं मतलब निकली हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ करके मैंने आप सबको दिखाया है। वैसे डेली यूज पे यूज़ नहीं करती मैं इसको। मैं पार्टी हो, नॉर्मल कथा कुथा कुछ भी, कहीं जाना हो घूमने के लिए कहीं भी, मैं क्रीम बस यही यूज करती हूँ और कुछ नहीं। फेस पे नहीं लगाना, आपको हर जगह लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग दिखता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया होगा आपको, देख सकते हो। मैं हाथ में भी लगा लेती हूँ, बच जाता है क्योंकि थोड़ा सा ऑयली ऑयली जैसा होता है ना, मॉइस्चराइज ज़्यादा होता है, तो इसलिए लग रहा है कुछ डिफरेंस फेस भी लग रहा होगा ना। और मैं उसके ऊपर से थोड़ा सा पाउडर लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा फेस ना
मुझे ऑयल ऑयली जैसा ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगी तो ज़्यादा टाइम तक रुक जाएगा इसलिए। तो ये है, ये पाउडर है पर्सोना का पाउडर एटीट्यूड जो एम्बे का है ये, तो ये यूज़ करती हूँ मैं क्योंकि इसका खुशबू बहुत प्यारा है, ज़्यादा भी नहीं लगते। हाँ ऐसे करना है इसको दो हाथों से और ऐसे, बस आई एम रेडी। देखिए जी थोड़ा सा बिंदी भी लगाती हूँ, बिंदी है बहुत छोटा है दिखेगा नहीं आपको, ये देखिए। हाँ देख गया, अब मैं सिंदूर लगाती हूँ। मैं सिंदूर हाथों से ही लगाना पसंद करती हूँ, तो ये है सिंदूर मेरा। बस हो गया, और मैं लिपस्टिक भी लगाऊंगी, ठीक है। ये नेपाल से लिया था मैंने, बहुत प्यारा है ये 50 लव मिस रोज, दिख रहा है आपको पर उल्टा दिखेगा आप सबको ना, पर हाँ मिस रोज है इसका। ऐसे लगाती हूँ मैं, मैं देख देख के यहाँ शीशा में भी देखी अलग से। ये देखिए मैं आईब्रो वाइब्रो अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि गाइस आज मेरा थ्रेडिंग थोड़ा सा ग्रोथ हो चुका है, तो इसको मैं थ्रेड करने वाली हूँ, थ्रेड से सफाई करने वाली हूँ आज। और कैसे मैं घर पे सफाई करती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है बाहर जाके मैं बनाऊंगी तो थोड़ा सा वो खराब कर देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, और बोलूंगी ना वो मुक कर भी जाते हैं, इसलिए आज मैं कैसे निकालती हूँ घर पे तो वो भी शेयर करने वाली हूँ आप सबको। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना। एंड तुनिशा आ चुकी है, तुनिशा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तुनिशा छुप छुप के देखती है। तुनिशा 10 बज चुका है बेटा, मुझे नहीं जाना। क्यों ऐसे क्या कर रहे हो आज? तुनिशा ने क्या काम किया बताओ, बता देती हूँ। चलो रेडी हो जाओ, हाथ में धो लिया? हाँ। चलो अब मैं नहीं जाऊंगी ट्यूशन। क्यों? मुझे तो उधर पता नहीं है, ट्यूशन जाना चाहिए पापा मुझे स्कूल पता है। तुनिशा ट्यूशन जाने के लिए हमेशा ऐसे करती है, पर ज्यादातर ये है कि चली जाती है, वैसे तो ज्यादा तंग नहीं करती, बोलती भले बोलती है तो चलते हैं गाइस। इसको तुनिशा को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं और थोड़ा सा इसको रेडी कर लेती हूँ और चलो। तुनिशा भी रेडी हो चुकी है और तुनिशा का मूड देखो कितना ऑफ है। क्या हुआ तुनिशा मेरी छेरी, मेरी छेरी क्या हुआ मेरे बाबा? चलो चलते हैं फिर, बाय बनाना गाइस लाइ। अच्छी बनाना भिंडी की सब्जी, रोटी और साथ में चाय। तो गाइस मैं नाश्ता खा चुकी हूँ और अभी मैं बर्तन मांगने के लिए किचन में आई हूँ, उसके बाद तुनिशा को लेने जाना है। 12 बजे तुनिशा को लेने जाती हूँ, तो जल्दी जल्दी से बर्तन मांजते फिर तुनिशा को लेने जाते हैं। गाइस मेरा बर्तन भी धुल चुका है, सो अब मैं जाती हूँ अपने रूम पे, देख सकते हो
दोबारा बारिश होने जैसा हो रहा है, तो छोटा छोटा बूंदे हो रही है। और यहाँ पे मम्मी फूलों का सफाई कर रही है। हाय मम्मी, मम्मी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो गाइज, आप सबको सुबह के टाइम पे मैंने बताया था कि मैं थ्रेडिंग आज अपना बनाऊंगी, पर आज पूजा आई है थ्रेडिंग बनाने के लिए, क्योंकि मैं बनाती हूँ थ्रेडिंग भी, तो दिखाती हूँ। अभी ये मना कर दी, फिर भी मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, आईब्रो दिखाऊंगी, और अभी कैसा है और बाद में कैसा लगेगा वो दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए हमारी पूजा का आईब्रो मना कर दिए, अभी पूरा फेस नहीं दिखाऊंगी, ऐसा ऐसा ग्रोथ और क्लीन होने के बाद में दिखाऊंगी। तो गाइज, मैं अकेली हूँ इसलिए मैं आपको ऐसे पूरा दिखा नहीं पाऊंगी, तो मैं फटाफट बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप सबको, ठीक है। तो ये है गाइज स्काई ब्रो, कैसा बनाती हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ आप सब, कैसा लग रहा है पूजा दीदी, ठीक लग रहा है? अरे मुंह आ रहा है ना, मुंह से बोलना कैसा लग रहा है। हाँ श्री पागल, आईब्रो भी बना लिया, पर मैं बनाऊंगी आज सोचा था, पर हो नहीं पाया क्योंकि अभी मुझे जाना है कपड़े धोने के लिए। मशीन में लगा दिया है मैंने, अब जाके मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी शाम के टाइम पे धूप है, तो इसलिए मैं डाल दूंगी वहाँ पे। कमर दर्द हो रहा है, फिर भी मैं मुझे काम तो करना है गाइज, तो चलते हैं। मेरा काम भी ख़त्म हो गया है, कपड़ा सब कुछ धुल गया है, और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, कड़क चाय मेरी फ्रेंड और सास के लिए, और इनको चाय देते हैं, चलो। इन दोनों को देखो साड़ी पहन के, क्या खेले हो तुम दोनों? हाँ, टीचर टीचर खेले। टीचर टीचर, तुम दोनों का साड़ी दिखाना, मायरा साड़ी दिखाना, साड़ी दिखा, इधर आ, इधर इधर दिखा, वहीं पे बैठना। हाँ इसका साड़ी देखो, साड़ी साड़ी निकल गया। तुनिशा दिखा, तुनिशा इधर दिखा ना, हमने स्कूल के लिए रहता मम्मा। तुनिशा की साड़ी नकली।